नुज़ूल ईसा अलैहि सलाम की 116 अहदीस नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नादिर मजमुआ और बेशतर अलामात क़यामत की ईमान अफरोज तफसीलात पर मुश्तमिल किताब अलामात क़यामत और नुज़ूल मसीह अलैहि सलाम, जिसमें इंतखाब हदीस है हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद अनवर शाह साहिब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी तालीफ फरमाई है हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहिब रहमतुल्लाह अलैह, और जिसकी तरतीब और तर्जुमा और तशरीह फरमाई है हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहिब तामत पर कातमुल आलिया। हिस्सा दोम में हदीस नंबर 2 दर्ज है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब इब्ने मरियम तुम में नाजिल होंगे और उस वक्त तुम्हारा इमाम तुम यानी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही में से होगा। बुखारी और मुस्लिम। ये जो फरमाया है इस हदीस में कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही में से तुम्हारा इमाम होगा, इसकी तशरीह में हज़रत फरमाते हैं कि दूसरी अहदीस मसलन हदीस नंबर 104, 105, 107, 110 ता 112 और 115 में सराहत है कि वो इमाम महदी होंगे जो ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के वक्त नमाज फजर की इमामत करेंगे, मगर बाद की नमाजों में इमामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किया करेंगे। ये बात हदीस नंबर 4 से भी वाज़े हो जाएगी। वक़सर रहा बिही फ़ी फैज़िल बारी ऐज़न सफ़ा 47 जिल्द 4 नेज़ हदीस 115 में इसकी पूरी सराहत है।